उल्लन भी यानी कि अंग पहुंचने का वस्त्र, अंग पहुंचने का टवल है, नैपकिन्स है, उसकी मर्यादा। दंतन भी दातन करने की मर्यादा, यानी कि आप जो पेस्ट करते हैं एक दिन में कितनी बार करेंगे, कितनी बार यूज करेंगे, उसकी मर्यादा। उल्लन भी, दंतन भी, फल भी, फल के प्रकार। फिर बताया अपघन भी यानी कि मर्दन के तेल के प्रकार, और उठन भी यानी कि हम कभी कभी शरीर में बेसन लगाते, पीटी लगाते, जो कुछ भी बॉडी पॉलिशिंग। अभी तो मतलब काफी सलून्स में है और काफी बार हमारे बॉडी स्पास भी कराते हैं, तो उसकी मर्यादा रखना तेल पीटी आदि का। मज्जन भी स्नान संख्या एवं जल का प्रमाण, यानी कि एक दिन में मैं कितनी बार स्नान करूंगा, सवेरे दोपहर शाम, तीन बार, एक बार, दो बार, या नहीं भी करूंगा, उसकी मर्यादा। और स्नान में करते समय जल की मर्यादा, एक बाल्टी, दो बाल्टी, तीन बाल्टी, अपने अपने अनुकूलता अनुसार। फिर बताया है विलेवन भी ही यानी कि लेप चंदन आदि का। कभी कभी हम तपस्या करते हैं, सर दुखता है तो सौंठ लगाया जाता है, मॉनिसन बॉम लगाया जाता है, तो ऐसे लेप की भी मर्यादा करनी है। फिर बताया फुफ भी फूल, फूल, फूल माला आदि का। फिर बताया आभरण भी यानी कि आभूषण, अंगूठी, चेन, जो कुछ भी है उसकी मर्यादा। दुब भी धूप, अगर, कपूर, भाती की मर्यादा। पेज भी यानी कि दूध आदि पदार्थों की मर्यादा। बक्कन भी यानी कि मिठाई की आदि की मर्यादा। आप रोज मिठाई खाते हैं क्या? आप और हम नहीं खाते ना, तो उसकी भी मर्यादा करना, और उस मर्यादा का अगर हमने उल्लंघन किया तो उसकी मिच्छामी दुक्कड़म देना है। फिर बताया है विगय भी दूध, दही, मट्ठा आदि का। फिर बताया साग भी यानी कि साग सब्जी का। मोहर भी मधुर फल आदि का। जिमन भी रोटी, पूड़ी, रायता, बड़ा, पकौड़ी आदि का, जीने के जो द्रव्य के प्रकार है उसके प्रमाण का। फिर बताया पानीय भी पानी पीने योग्य, पानी में भी क्या आता है, रस आता है, जूस आता है, उसकी भी मर्यादा करनी है। फिर बताया मुखवास भी यानी कि लौंग, सुपारी, इलायची खाने के बाद जो हम मसाला खाते हैं, पान वगैरह खाते हैं, उसकी मर्यादा बताई गई है। फिर बताया है जूते, मोजे, चप्पल आदि। वाहन भी, वाहन यानी कि अपनी गाड़ी, मोटर, टू साइकिल, उसकी भी क्या है, मर्यादा रखनी है। द्रव्य भी द्रव्यों की मर्यादा। दुबिये दो प्रकार पनते तंजह, इस प्रकार भोजनाओ यानी कि भोजन की अपेक्षा से हम अपक का आहार किया हो, दुपक का आहार किया हो, तुच्छ औषधि का आहार किया हो, यानी कि सचित का आहार किया हो। सचित क्या है? जैसे पकाया हुआ नहीं, सचित वस्तु है, उसका आहार किया हो, सचित परिबद्ध का आहार किया हो। और उसके बाद आए अपक्का आहार, अपकाया हुआ आहार, जैसे फल, फ्रूट, ऐसे कई चीज होते हैं जो क्या है बिने पकाए भी हम खाते हैं। अपक्का आहार क्या हो, दुपक्का आहार क्या हो, दो दो बार पकाया जाता है, जैसे घर में सब्जी बन गई, उसके बाद वो सब्जी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और बार बार परोसने के लिए क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, दो बार यानी कि दो बार पकाई जाती है। जैसे राबोड़ी होती है, खींचा होता है, एक बार उसको पकाया जाता है और उसको रखा जाता है, और बाद में वापस सब्जी बनाई जाती है तो पुनः पकाई जाती है, तो दो बार पकाई दुपक। और तुच्छ औषधि का आहार क्या हो, यानी कि जैसे मकिया होता है, जैसे आपके भाषा में क्या बोलूं, मुरंग का मतलब आप समझते हैं, ड्रमस्टिक, मुरंग का जो दाल में डालते ना, मुरंग का है जो अपने ये मेज यानी कि कॉर्न होते हैं, वो खाते तो कम और फेंकना ज्यादा होता है, ज्यादा होता नहीं होता, मतलब खाते तो थोड़ा है और ज्यादा मात्र में फेंका जाता है। तुच्छ औषधि का आर क्या हो, यानी कि तुच्छ आर क्या हो, बाकी को परता हो, तो इन चीजों में हम क्या करें, मर्यादा रखे, और इसकी मिच्छामी दुक्रम देना है चिंतन करते समय। तो ये विषय है सातवां अतिचार का। फिर आते हैं पंद्रह कर्मदान संबंधी का, जो श्रावक के जानिए योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। उसमें बताया है इंगाल कर्म, इंगाल यानी कि लकड़ियों के, कोयले के बनाने के, जो कुम्हार का, लोहार का, सुनार का, उठरे कसरे और ईंट पकाने का धंधा करना, ये अंगार कर्म यानी कि अग्नि के साथ जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं
उसको हमें क्या नहीं करना है, ऐसे कार्य में हमें लगना नहीं है। फिर बताया है वन कम में, यानी कि वनस्पतियों का छिन्न, यानी कि इंगाल कर्म में देखिए कोयले का व्यापार। और मैंने जो बताया जैसे कि टूल्स लगते हैं फैक्ट्री में, तो हमें वैसा व्यापार नहीं करना, भट्टी है भट्टी गर्म नहीं है, पर हमें भट्टी का व्यापार, चूल्हे का व्यापार, यानी कि उसको बेचना नहीं, जिससे दूसरा कोई यूज करे और हमको क्या लगे, समझ में आ गया बात। फिर बताया है वन कम में वनस्पति के छिन्न या अछिन्न पत्तों को, जैसे आप देखते हैं कभी कभी हमारा यहाँ पर दक्षिण सापार की है, जो रूढ़ी चलती है वहां पर क्या करते पत्ते रखते हैं, तो इसका व्यापार नहीं करना, इसका व्यापार नहीं करना है। फलों को फूलों को ये बेचने के लिए श्रावक का मर्यादा उल्लंघन होता है। फल फूल और ऐसे जो वनस्पति से जो बनते हुए चीजें, उनकी व्यापार नहीं करना है। फिर बताया है साकट कर्म, यानी कि चकड़ा गाड़ी आदि और उनके पहिए आदि अंगों को बनाने बनवाने चलाने का और बेचने का धंधा नहीं करना। भाटक कर्म गाड़ी बेल भैंस गद्दा ऊंट खच्चर आदि पर भार लादने की, अर्थात उन पर भार देना, ऐसे काम भी हमें नहीं करना है। और अगर हम सब ने ऐसे काम किए हैं तो उसका चिंतन करके क्या करना है, मिच्छामि दुक्कड़म देना है। कभी ना कभी तो हमने फूल फल कभी ना कभी तो किसी के लिए लाके भी दिए हैं, कभी ना कभी हम पत्तों के ऊपर खाए भी है, तो ये संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर हमें क्या करना है, उसकी चिंतन करना है कि मैंने जानते अजानते में इन चीजों को वापरा है, मुझे क्या दो, मिच्छामि दुक्कड़म दो। मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, नहीं तो हम तो क्या प्रतिक्रमण में इंगाल कम में वन कम में साड़ी कम में भाड़ी कम में फोड़ी कम में बोलते गए और आप मिच्छामि दुक्कड़म देते गए, पर इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। फिर बताया है स्फोट कर्म, यानी कि तालाब कूप बावड़ी आदि खुदवाने और पत्थर फोड़ने तोड़ने की आदि प्रतिक्रिया की प्रचुर हिंसा रूप में हमने इसका आजीविका चलाई हो, यानी कि पृथ्वी को फोड़ना, बोरवेल का काम, तालाब का काम, ये काम कभी कभी करते हैं, नहीं करते वैसे नहीं हमारे जंगल, पर ऐसा किया हो तो इसका चिंतन करके हमें क्या करना है, मिच्छामि दुक्कड़म देना। देखो घर बनाना ये अलग बात है, यहां पर बताया इसका व्यवसाय नहीं करना, इसका व्यापार नहीं करना। बात समझ में आ रही आपको, घर है तो बावड़ी भी बनेगा, घर है तो टैंक भी बनेगा, घर है तो वहां पर छह काय जीवों की हिंसा होती होती है, ये व्यापार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। बात को मैं स्पष्टता से कहता हूं कि इसका व्यापार जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। फिर बताया है दंत वनीजे, यानी कि हाथी के दांत, चमरी गाय के बाल, उल्लूक आदि के नाखून, शंख आदि के असित, शेर चीता आदि के चर्म, यानी कि जितने भी तिर्यंश प्राणी है उनके जो बॉडी के हिस्से, जो हेयर है, जो उनके बॉडी के ऊपर जैसे उल है, जैसे नाखून है, उसके भी क्या होते हैं, धंधे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हाथी का जो दांत होता है, हाथी का जो बाल होता है, उसकी अंगूठी बनाई जाती है, उसके काफी आभूषण बनाए जाते हैं, और हमें उसका व्यापार नहीं करना है। लकवानी जे, लाख मैंसिल नील धातिकी के फूल छाल आदि टंकन खाकर ऐसे पाप के कारण से भी व्यापार नहीं करना है। रस केश वाणिज्य मक्खन चर्बी मधु और मध्य आदि से बचना रस वाणिज्य कहलाता है, तो हमें ये मक्खन का व्यापार भी नहीं करना है। मधु यानी कि हनी, हनी का भी व्यापार, सेत का व्यापार भी हमें नहीं करना है। सेत वापर सकते हैं, मक्खन वापर सकते हैं, मैं पुनः कहता हूँ आपको, ऐसे तो ये महाविकेय के अंदर है, कम वापरो ठीक है, मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप नहीं वापरिए, वापरिए आपके ऊपर है, पर इसका व्यापार हमें नहीं करना है, इसका व्यापार नहीं करना है, यहाँ पर ये विश्लेषण आता है। फिर बताया है
विष वाणिज्य यानी कि पॉइजन का, शस्त्र का, हल का, यंत्र का, लोहा का, यानी कि जिस शस्त्र से किसी की हिंसा हो, प्राण चले जाए, ऐसे शस्त्रों का, नॉट ओनली पॉइजन, उसके साथ साथ में चाकू होते, तलवार होते, इसकी भी हमें क्या नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है। घर में है, अभी मैं एक तरफ से कहता हूँ कि इसका व्यापार नहीं करना, पर घर में तो क्या है, छुरी चलती है, सीजर्स चलते हैं, ये अलग बात रही। यहाँ पर जो विश्लेषण आ रहा है कि हमें इनका व्यापार नहीं करना है। फिर बताया है चंद्र पीड़न कर्म, यानी कि तिल, ईख, सरसों एवं एरंड आदि के पिलाने के तथा रहत आदि चलाने के धंधा करना, तिल आदि देकर तेल लेने का धंधा करना, मतलब तिल दे दिए, तिल से तेल निकाल दिया, खोपरा दिया, खोपरे से तेल निकाल दिया, उसको क्या करना पड़ता है, घिस घिस के निकालना पड़ता है, तो ऐसा धंधा हमें नहीं करना है। फिर बताया है निलंचन कम में जानवरों के नाक बींधना, नथनी करना, आंखना, दाम लगाना, बांधिया खसी करना, ऊंट आदि के पीठ गलाना और कान का तत्व गल कंबल का छेदन करना, ये है निलंचन कर्म। मतलब जो गौशालक होते हैं ना, जो गायों को संभालते हैं, वे एक निशान करते हैं कि ये सब मेरी गाय है, ऐसे तो हम करते भी नहीं है, तो निलंचन कर्म बताया है। फिर बताया है दावदी, यानी कि आदत के वश होकर पुण्य समझकर दाव जंगल में आग लगाना दव दाव कहलाता है, और तालाब, नदी, द्रह आदि को सुखा देना, ये क्या है, ये है दावदी। फिर बताया है मैना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा एवं मयूर को पालना, दासी का पोषण करना, किसी दास दासी को बनाकर रखना और पैसे कमाने के लिए दुशील स्त्रियों को रखना, अस्थिति पोषण कर्म कहाया है। यहाँ पर क्या बताया कि पर स्त्रियों को या स्त्रियों का जो ये होता वैश्य जो होते हैं, ऐसे हमें वो धंधा नहीं करना है। तो आइए आपने और हमने आज 15 कर्मदान संबंधी और 7 उपभोग परिभोग का हमने थोड़ा चिंतन आपको समझाने का प्रयास किया है, और इस संवत्सरी पर्व के अंदर इनके चिंतन मनन करना है, और हमें अंतर हृदय से क्या करना है, क्षमा याचना करना है। समय का इशारा हो चुका है, 10:30 बज गए, हम अपने बात को यहीं पर विराम देते हैं। त्रिशलानंदन काटो भव बंदन, आनंद दीजिए, मंगल कीजिए, आनंद दीजिए, मंगल कीजिए। एक बार बोलेंगे वापस, त्रिशलानंदन, त्रिशलानंदन काटो भव बंदन, काटो भव बंदन, आनंद दीजिए, आनंद दीजिए, मंगल कीजिए, मंगल कीजिए। कौन कहता है वीर आते नहीं, कौन कहता है वीर आते नहीं, चंदना जैसे आप बुलाते नहीं, चंदना जैसे आप बुलाते नहीं। वीर आज भी आ जाएंगे, बस उस चंदन वाला के जैसे हमें वह भक्ति करनी है, उस चंदना जैसे हमें भी हट करना है, जिद करना है, तो महावीर स्वयं आ जाएंगे। द्वार से लौट गए महावीर प्रभु, उस चंदन वाला के द्वार से लौट जाते हैं, और चंदना कैसे अश्रु धारा बहराते बहराते वह भगवान को पुकारती है, आओ आओ देव मारा सुना सुना द्वार मारा आंगना सुना। अहो वीर परमात्मा, आज मेरा ये आंगन सुना है, आज हमारा घर सुना है, आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, पर भाव रूपी से, भक्ति रूपी से जैसे चंदना बुलाई है, वैसे भी मैं बुलाता हूँ, आओ आओ देव मारा सुना सुना द्वार मारा आंगना सुना, आओ आओ देव मारा सुना सुना द्वार मारा आंगना सुना।
रोती रोती चंदना बुलावे मुख गिनती नवकार मारा आंग ना सुना रोते रोते नवीन बुलाए मुख गिनती नवकार मारा आंग ना सुना। बस भक्ति ही हमारे पास रही है, परमात्मा को अगर याद करना है, स्मरण करना है, उनके गुणों के कीर्तन करना है तो मात्र उनका नाम का जप, मात्र उस परमेश की महामंत्र का जो है हमें क्या मिला है, वह मंत्र का साधन मिला है। आज जन्म वाचन के द्वारा हमने प्रभु को हमारे आंगन पर बुलाए हैं तो हम अहोभाव से भक्ति भाव से प्रभु की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले भव में हमें क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। अभी आप खाना खाएंगे उतनी बार कम खाना, जहाँ पर आपको चार रोटी की भूख हो वहाँ पर दो या तीन रोटी खा लेना, यानी कि जितनी भूख हो उससे कम खाना, ऐसे अनोधरी तप में आज आप रमेंगे, आप इसका प्रतिज्ञा लेंगे तो क्या है, ये तप दिवस मनाने का सार्थक होगा। बहुत सिंपल सा है, जट चार लड्डू खाऊंगा बट दो लड्डू खाऊंगा हो जाए ना, आराम रह जाए ना सबरे भी, एकदम ईजी है। अपने अपने धारणा प्रमाणे तस भंते पड़ी कमा में निंदा में गरिया में अपान ओ श्री ओ श्री ओ श्री। मंगल पाठ नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव श्रवणम ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासनो मंगलाणम च सव्य सिंह प्रणम हो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम उपसर्गा क्षम्यन्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लया मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरा पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से श्री सिमंदर स्वामी भगवान की आज्ञा से बड़े भाइयों की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधमो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धमो लघुत्तमो चत्तारी शरण पवज्जामि अरियंते शरण पवज्जामि सिद्धे शरण पवज्जामि साहु शरण पवज्जामि केवली प्रणतम धमम शरण पवज्जामि ये चार शरण दुकारण जगत में और शरण नहीं कोई होगा जो भवे प्राणी याद रहे तो अक्षय अमर पद होगा अक्षय अमर पद होगा। अंगोष्ठे अमृत बसे लभित भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। कोई कह सकते कि नवीन जी बहुत सरल से पचकान दे रहे हैं, ऐसे तो क्या है, आप देखिए जहाँ पर स्वाध्याय संघ के बंधु जाते हैं तो वहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग अन्य ऐसे कहीं पचकान कराते हैं, पर याद रखना जहाँ सरल है वहीं पर धर्म क्या होता है, निबजता है। धर्म का टिकाव कहाँ होता है, जहाँ सरल होता है, जहाँ मैं इजीली आपको कुछ दूँ और आप उसको ले ले तो वह धर्म क्या होता है, उसकी पालना होती है। और जैसा दिखता है पात्र वैसे ही पचकान देने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर अभी संघ नया नया बना है, अगर मैं आपको कह दूं आप मेरे को तेला ही देना मेरे को अट्ठा ही देना, ये होने वाली बात नहीं है। तो जहाँ पर सरल है ऐसे सरल पचखान करा रहा हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम भी जा रही है और मेरे पास दो तीन कमेंट भी आए कि आप एकदम सरल से पचखान कराते हैं, आप उनको रात्रि भोजन का त्याग का संदेश नहीं देते हो, रोज पचखान नहीं कराते हो, तो याद रखना करा सकते हैं, कराना तो मैं काफ़ी कुछ करा सकता हूँ, पर जहाँ से सरल से हम धर्म की जो क्या करेंगे पालना करेंगे तो धर्म वहीं पर निबजता है। आइए परिशन पर्व चल रहा है, 8 दिन तो रात्रि सोगन के पकवान खाने ही करने हैं, ये तो करना ही है, रात्रि भोजन का त्याग जैसे राजेश भाई बता रहे कि 8 दिन तो करना ही करना है, ठीक है, मैं आपको वंचित नहीं करा रहा हूँ, पर छोटे छोटे त्याग छोटे छोटे तो क्या है आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी गिराया कि चार लड्डू के जगह दो लड्डू, चार बादाम के जगह दो बादाम, ये तो क्या आराम से कोई पाल सकता है, बाकी अन्य जो भी बड़े तप में जुड़े तो वे तप के दिवस मनाने का सार्थक होगा। आइए समय बीता जा रहा है, आंखें बंद, मन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, आइए हम 5 बार, आज समय हो गया है,
पंच परमेश्वर के पांच पद होते हैं, तो पांच बार हम भावपूर्वक नमस्कार महामंत्र का स्मरण करेंगे। क्योंकि नए मेंबर्स आए, आपके मन में ये भाव होना, जब यहाँ पर नौकार मंत्र गिना जाएगा आपके मन में एक इमेजिनेशन होना, एक पिक्चर होना कि आपके सामने अरिहंत प्रभु है, आपके सामने सिद्ध परमात्मा है, आपके सामने आचार्य है, उपाध्याय है, लोक के जितने भी साधु साध्वी है। आप स्थानकवासी तो मत समझो कि स्थानकवासी रहा साधु साध्वी, लोक के जितने भी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी है वो हमारे सामने कृपा बरसा रहे हैं, हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, अपने शरीर व आत्मा को हल्का महसूस कर रहे हैं और अपने पापों को नाश कर रहे हैं। आइए बड़े भक्ति भाव के साथ, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। मंगलाणं च सवेसिं परमहवाय मंगलं। आंखें खोले, आइए अभी अभी पंच परमेश्वर भगवान को भावपूर्वक वंदन करते हुए हमारे शरीर व आत्मा को हल्का महसूस किया। दूसरे चरण में हम परमात्मा से यही शुभ भावना, मंगल भावना और कृपा चाहते हैं कि अहो परमात्मा, आप जैसे आरोग्य को प्राप्त किए हो, आप जैसे बोध को प्राप्त किए हो, वैसे भी हमें क्या बनाए, स्वस्थ बनाए, मस्त बनाए, हमको भी क्या है आरोग्य का बल दीजिए। और जब जब भी हमारा मन छोटा पड़ जाए, फीका पड़ जाए, नीचे उतर जाए, मंद हो जाए, तो हमारे बुद्धि को भी आप क्या दो, सद्बुद्धि दो। ऐसे शुभ भावना, मंगल भावना, कृपा चाहते हैं। आंखें बंद, इसको आप अपने शरीर के ऊपर यानी कि सर से ऊपर के लेकर के नीचे तक को इसको करना ये साधना। अन्यथा आपके शरीर में जहाँ कहीं पर भी दर्द हो, जैसे हाथ में दर्द हो, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वहाँ पर अपने हाथ को रख करके भी इसकी साधना कर सकते हैं। आंखें बंद, मन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता रखिए। आरोग्य बोहि लाभम, 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 आरोग्य बोहि लाभम,
आरोग बोही लाभम। तीसरे चरण में अहो परमात्मा, आपने जैसे मोक्ष को प्राप्त किया है, सिद्ध सिद्धि को प्राप्त किया है, वैसे ही हम आपसे यही शुभ भावना, यही मंगल भावना, यही कृपा चाहते हैं कि हम भी क्या करें, कभी मोक्ष को प्राप्त करें, हम भी सिद्ध बने। और साथ में क्योंकि हम छद्मस्थ हैं, संसार में रहते हैं, हमारी भी क्या होती है, ऐसे कुछ अड़चने होती हैं, कुछ बाधाएं होती है, चाहे वह बिजनेस फील्ड में हो, चाहे वह फैमिली फील्ड में हो, चाहे वह समाज के फील्ड में हो। तो अपने मन में एक संकल्प करना कि आज मेरा कुछ ऐसा कार्य अटका हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करना है, उस कार्य को सक्सेस करना है, उस कार्य को भी क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी कि इसे सक्सेस मंत्रा कहते हैं। आइए दोनों हाथों को अपने ललाट पर रखते हुए अपने मन में संकल्प लीजिए, एक हमें मोक्ष पाना है, दूसरा आज हमारा कोई कार्य बाधा रुका हुआ है तो वह पूर्ण हो गए। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आइए पांचवें चरण में अहो परमात्मा, आप हमें निर्भयता का मंत्र दीजिए, हमें अपने परिवार के किसी के मेंबर के साथ भय नहीं होना, अपने कस्टमर के साथ, अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ या किसी प्राणी के साथ मुझे भय नहीं होना है। अगर भय रहेगा, डर रहेगा तो मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा। अगर किसी के साथ मेरा डर रहेगा, भय रहेगा तो मेरी बुद्धि भी जो क्या है काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे शुभ भावना, मंगल भावना, कृपा चाहते हैं। दोनों हाथों को हृदय पर, कलेजे पर रखते हुए नमो जिनानम जिय भयानम, 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 नमो जिनानम जिय भयानम। प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, समय होते हुए भी हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं, तो आइए हम परमात्मा से यही शुभ भावना, मंगल भावना और कृपा चाहते हैं। अपने मन वचन काया को हम शुभ, शुद्ध और सरलता बनाते हुए मन से, वचन से, काया से हम 84 लाख जीवी होने को क्या करेंगे, क्षमा आधान और प्रधान करेंगे। ऐसे शुभ भावना और शुद्ध भावना के तरंगों के साथ आइए 7 लाख प्रतिकाय, 7 लाख अक्काय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चौरेन्द्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिरंज पंचेन्द्रिय, 14 लाख मनुष्य, ऐसे 4 गति 84 लाख जीव योनि के सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त जीवों में किसी जीव का हिलते चलते उठते बैठते सोते जागते हनन किया है, हनन कराया, हंता प्रति अनुमोदना किए, छेदा है, भेदा है, खिलावना उपजाइए, मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकारे जो मैं तस्मिच्छामि दुग्धं, तस्मिच्छामि दुग्धं, तस्मिच्छामि दुग्धं। आइए
परमात्मा हम आपसे यही शुभ भावना, यही मंगल भावना, यही कृपा चाहते हैं कि हमारे पूर्व भव में अगर हमने किसी के साथ दुश्मनी की हो, वैर बांधा हो, या इस भव में भी अगर हमने किसी के साथ वैर बांधा हो, दुश्मनी की हो, तो जब जब भी मेरा दुश्मन मेरे सामने आए वह भी शांत हो जाए और मैं भी क्या हो जाऊं, शांत हो जाऊं। वह दुश्मन अपनी दुश्मन को भूल करके, दुश्मनी को भूल करके मैत्रीता की ओर, मित्रता की ओर है जो क्या है, हाथ बढ़ाए। जब भी मेरा दुश्मन, मेरा वैरी सामने आए वह मित्रता की ओर आ जाए। खामे में सवे जीवा, सवे जीवा खमंतु में, मिठी में सव भूयेसु वैरम मजना कैनाहिया एवं माए आलोहियम निंदियम गरियम दुगचिय सम्मं तिविहेनं परिकंतो वंधामि जीन चौविसं, वंधामि जीन चौविसं। पहले मनोरथ का चिंतन, वह दिन हमारे लिए धन्य होगा जिस दिन हम आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो जाएंगे। दूसरे मनोरथ का चिंतन, वह दिन हमारे लिए धन्य होगा जिस दिन आप और हम संसार के साथ डिटैच होकर के पंच महाव्रतधारी साधु या साध्वी बन के विचरण करने लगेंगे। पर परमात्मा तीसरा मनोरथ, हम आपसे यही शुभ भावना, यही मंगल भावना, यही कृपा चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु क्या है, ये सबको आने वाली है। मृत्यु निश्चित है, सबको आने वाली है। अहो परमात्मा, मेरे अंतिम समय में जब मेरी मृत्यु नजदीक में आ जाए, आप चेतावनी दे दीजिए, आप संकेत कर दीजिए, आप बोध दे दीजिए, ताकि हम अंतिम समय में संतारा सलेखना को धारण करते हुए इस देह का त्याग करें, हम संतारा सलेखना से पंडित मरण से मृत्यु को प्राप्त करें। आरम परिग्रत जी करी ने पचिकु पाप अठार, अंत समय आलो ये ना करु संथारो सार, प्रभु जी करु संथारो सार। पंच परमेश्वरी भगवान, आप सर्व मंगल है, सर्व उत्तम है, आपका इस भव पर भव भव में सदा शरणा हुई जो। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाइयों की आज्ञा से, चैता भारम वासम चकवटी माही दियो संती संति करे लोहे पत्तो गही मनोत्तरम, सर्व व्याधि विनाशक आरोग्य बोही लाभम, आरोग्य बोही लाभम, सर्व व्याधि विनाशक, सर्व व्याधि विनाशक आरोग्य बोही लाभम, आरोग्य बोही लाभम, सर्व व्याधि विनाशक, सर्व व्याधि विनाशक आरोग्य बोही लाभम। नमो अरियंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो उच्चानम, नमो लोहे सव सामनम, नमो लोहे सव सामनम, नमो उच्चानम, नमो आयरियानम, नमो सीतानम, नमो अरियंतानम, नमो अरियंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो उच्चानम, नमो लोहे सव सामनम, नमो लोहे सव सामनम, नमो उज्जैनम, नमो आयरियानम, नमो सीतानम, नमो अरियंतानम, नमो अरियंतानम, नमो सीतानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सव साहूनम। तव शरीर सुख शांति आरोग्य कुरु कुरु स्वाहा, तव शरीर सुख शांति आरोग्य कुरु कुरु स्वाहा, तव शरीर सुख शांति आरोग्य कुरु कुरु स्वाहा, मम आरोग्य सुख शांति कुरु कुरु स्वाहा। चैता भारम वासम चकवटे महितियो संति संति करे लोहे पत्तो कही मनोत्तरम, श्री श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम मंगलम, चतारी लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवली पनत्तो धम लोगतमा, चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणा मंगल करना, उत्तम करना, सुख करना, दुख हरना, उर्ण सरना, अनुकूल जे भव प्राणी करे राधन उसका अजर अमर पद होय, उसका सदाई मंगल होय, अंगूठी अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित फलदाता भावे भावन भावी भावे दीजे दान भावे धर्म राधि भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण।